अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग मुझे पता है खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको खैरियत से रखे। तो हम लोग जा रहे हैं आज एक ईद स्पेशल पैक और स्क्रब बनाने के लिए, क्योंकि हमारी स्किन हो गई है काफ़ी टाइड, थक गई है, थक चुकी है और बेजान हो गई है। उसको एक देना है जान। तो इस चीज़ों से आपकी स्किन होगी बहुत ग्लोइंग, स्किन होगी बहुत टाइट, बहुत साफ़ सुथरी, बेदाग। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है लेमन। लेमन में होता है विटामिन सी, जो हमारे स्किन के लिए होता है बहुत अच्छा। और हम लेंगे ऑयल, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप लोग बादाम का ऑयल भी ले सकते हैं, ये कोकोनट वर्जन ऑयल है और ये नॉर्मल ऑयल है, आप दुकान से ले सकते हैं। हम लेंगे हल्दी, ये गांव की हल्दी है, हल्दी बिल्कुल कम लेनी है क्योंकि अभी चल रहा है गर्मी। और ये लेंगे दही, दही घर की है, और कॉफ़ी पाउडर, और यहाँ पे शुगर, शुगर से बनेगा स्क्रब। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले लेंगे शुगर। शुगर एक बहुत अच्छा काम करता है स्क्रब का, तो आप इसमें शुगर लेंगे। पहले शुगर को आप लोग पीस लेना, दरदरा कर लेना, ठीक है, क्योंकि मोटी स्क्रब लेंगे तो आपके स्किन पर स्क्रेचेस पड़ सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे कॉफ़ी पाउडर, चौथाई चम्मच लेना है हमें शुगर, और उससे आधा लेना है कॉफ़ी पाउडर। हमने कॉफ़ी पाउडर ले लिया है इसमें, और अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। को करेंगे मिक्स। कोकोनट ऑयल में होता है एक अपना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जो आपको स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगा, क्योंकि हमको अपना जब भी स्क्रब करते हैं तो ड्राई नहीं रखना है उसको मॉइस्चर करके, इसीलिए हम इसमें नारियल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब इससे आप स्क्रब करेंगे, मानिए, यकीन मानिए, बहुत अच्छा स्क्रब होगा, इससे काफ़ी अच्छे से डेड स्किन निकलेगी और स्किन ग्लोइंग करेगा। तो ये हमारा स्क्रब तैयार हो गया, अब इससे हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब करने से पहले हमें बात का ध्यान रखना है, करना है हमें स्टीम। हमें पानी को लेना है, गर्म कर लेना, उबाल लेना है, फिर इससे ऐसे फेस करके टॉवल लेके स्टीम करना है। स्टीम करने के बाद हमें आना है स्क्रब पर, हमें स्क्रब लेना है। स्क्रब लेने के बाद हमें धीरे 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 सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, पाँच मिनट मसाज करने के बाद हमें जो पैक बनाना है वो चलते हैं बनाने। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैक। पैक के लिए हमें बेसन चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया नहीं उसके लिए सॉरी। हमें बेसन चाहिए आधा चम्मच हमने बेसन ले लिया, और हमें चाहिए बिल्कुल छोटी पिंच, एक चुटकी से भी कम, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, ताकि आपको स्किन को वाइटनेस दे, बहुत अच्छा सा ग्लो, आपकी स्किन वाइट लगे। तो बस इतना ही हमें चाहिए, और हमें चाहिए लेमन। लेमन हमने लिया है इतना, लेमन भी हमें कम यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की स्किन पर ये सूट नहीं करता है, जैसे मुझे नहीं करता है। कई लोग नींबू को डायरेक्ट लगाते हैं, बट डायरेक्ट इसको नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी स्किन साफ़ होने की जगह, गोरी होने की जगह आपकी स्किन काली हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं इसमें विटामिन सी भरे होते हैं, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट लगा लें। कई बार देखा है मैंने कि कई बार लोग इसको सूखा, मतलब डायरेक्ट इसको लगाते हैं फेस पर, डायरेक्ट कभी नींबू को नहीं लगाना चाहिए। तो हम लेंगे थोड़ी सी शहद, मॉइस्चर देता है आपके फेस को। अब इसे हम करेंगे मिक्स। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे दही, दही का हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। दही भी स्किन को बहुत अच्छे से वाइट करता है, बहुत अच्छे से ग्लो देता है, तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। सॉफ्ट रेडी मिक्स हो चुका है, तो ये बन गया है हमारा स्क्रब, और ये बन गया है हमारा पैक।
और अब हम इसे लगाएंगे कैसे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, लेना है स्टीम 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, अगर ड्राई स्किन है आपकी तो कम लेना है, 2 से 3 मिनट, क्योंकि स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर चला जाता है। अगर ऑयली स्किन है तो 5 मिनट लेना, और ड्राई स्किन है तो 2 से 3 मिनट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लेंगे भाप से स्टीम, स्टीम लेने के बाद करेंगे हम बढ़िया से स्क्रब, स्क्रब करने के बाद हम लगाएंगे पैक। स्क्रब इस तरह की करना है, स्क्रब को हमने ऐसे लेना है और जैसे ऐसे 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 गोल 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 आपका जो भी माउथ एरिया है, जहाँ पे भी है आपकी स्किन में, सर्कुलेशन मोशन में आपको स्क्रब करना है। ज़्यादा हार्ड हाथ से आपको नहीं करना है, नहीं तो रेसेस पड़ जाएंगे आपको, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। और फिर ये 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट वैसे करते हैं स्क्रब, आप 5 मिनट कर लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे दाग धब्बे जो भी जाएँ या पिगमेंटेशन होंगे वो हट जाएंगे, हट नहीं जाएंगे, तुरंत नहीं होंगे, आप रेगुलर कंटिन्यू यूज़ करेंगे, जैसे 15 दिन में है, 1 हफ्ते में तो स्क्रब हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्किन में ना स्क्रीन में डेड स्किन जमा हो जाती है, तो हमें हर हफ्ते स्क्रब जरूर लेना चाहिए। तो हर्बल स्क्रब बना के आप घर पर से ले सकते हैं, ये स्क्रब से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पैक लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको हमें लगना है, रखना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद हमें फिर इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाइए और आपकी स्किन देखिए कितनी सी, कितनी प्यारी और कितनी स्मूथ और कितनी साफ सुथरी दिखेगी आपकी ग्लोइंग। और आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा आपको कितना बढ़िया इसका रिजल्ट आया। तो चलते हैं, आपको अगर ये वीडियो हार्मफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। यकीन मानिए एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना, अगर यूज़ कर लेंगे जब भी आप, बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसका गारंटी ले सकती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं कई बार अपने क्लाइंट को भी ये करती हूँ कि जैसे किसी के स्किन पे सूट नहीं करती ना कोई चीज़, तो मैं घर की चीज़ें ही उनके फेस पे करती हूँ और काफ़ी अच्छा, इन दोनों से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत स्किन बहुत फेयर लगती है, जैसे 1 से 2 टोन आपका स्किन बहुत साफ़ हो जाता है और तुरंत रिजल्ट दिखेगा आपको। जैसे कहीं जाना है तो आप इमीडिएटली इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतने ही हैं आज की वीडियो के लिए, चलते हैं हम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।